हेलो एंड वेलकम टू अर्शीज़ कुकिंग रूम। पंजाबी कढ़ी, गुजराती कढ़ी, ये तो आपने ज़रूर ट्राई करी होगी, लेकिन आपने 10 मिनट में तैयार होने वाली बिना बेसन के आंध्रा कढ़ी कभी ट्राई करी है? नहीं ना? तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आंध्रा स्टाइल कढ़ी की रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने लिया है 1 कप गाढ़ा खट्टा दही और इसके साथ मैं मिला दूंगी 1 कप पानी। अगर आप 2 कप दही ले रहे हैं तो आपने 2 कप पानी लेना है। जितने कप दही होगा उतने कप पानी होगा। इसकी कंसिस्टेंसी जो है इस कढ़ी की वो ज़रा पतली होती है। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा नमक और इनको अच्छे से विस्क कर लेंगे। सो बेसिकली आपने जो दही है उसको छाछ की तरह तैयार कर लेना है और साइड में रख लेना है। अब शुरू करते हैं हम बघार यानी तड़के की तैयारी। सो मैंने यहाँ पे लिया है तेल और उसको गरम कर लिया है। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में। और जैसे ही तेल गरम हो गया उसमें मैंने ऐड कर दिए हैं राई के दाने, मेथी दाना, चना दाल और उड़द दाल, ज़ीरा, चॉप्ड हरी मिर्चें, अखी लाल मिर्च जिसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए थे, ये हैं कुछ कड़ी पत्ते, थोड़ा सा अदरक, इसे भी बारीक चॉप कर लिया था, और फाइनली स्लाइस्ड अनियन यानि प्याज। फ्लेम को मैंने सिम पे रखा है, नहीं तो बघार जल जाएगा। और हल्का सा स्टर कर लेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। हल्दी को भी हल्का सा स्टर कर लेंगे और बस कुछ सेकंड फ्राई करेंगे ताकि हल्दी का कच्चापन चला जाए। बस इस बघार को अब हमने दही पे डाल देना है और दही को फौरन कवर कर देना है लिड से। तो बस अभी हमने इसे कवर ही छोड़ देना है 10-12 मिनट के लिए ताकि जो बघार के यानी तड़के के इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से अपने फ्लेवर्स रिलीज़ कर दें दही में। तो ये हो गई हमारी आंध्रा स्टाइल कढ़ी तैयार, जो है खाने में बहुत बहुत ही मज़ेदार। तो इसे आप इंजॉय करें गर्मा गर्म राइस के साथ। एकदम सिंपल एंड एकदम क्विक रेसिपी है ना, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा स्टर करना, पकाना कुछ भी नहीं, बस झटापट तैयार। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।